क्या आपको पता है कि फिल्मोरा के थ्रू आप किस तरह से आई जूमिंग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर या अपनी पिक्चर्स के ऊपर? जी हाँ, काफी सिंपल और इजी मेथड है। विद इन टू स्टेप्स आप इजीली जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एट दी एंड हम करने क्या जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी और एक ऑडियो वीडियो भी बना दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सके। फर्दर इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आई एम असी संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप फिल्मोरा के अंदर विद इन टू स्टेप्स जो है आई जूमिंग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पिक्चर्स रिसर्च करनी है या अपनी वीडियोस हैं जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप उन्हें सबसे पहले सिलेक्ट कर लें। देन इसके बाद आप अपनी पिक्चर्स को टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। जैसे ही आपकी पिक्चर्स आपके पास आ जाएं तो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, यहाँ पे इसमें आपने सबसे पहले देखने कि आपकी पिक्चर्स जो सी हैं स्क्रीन के ऊपर फिट आ रही हैं कि नहीं। जो हमारी फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये टोटली फिट आ रही है, और जो सेकंड ये कैट वाली पिक्चर है ये हमारी फिट नहीं आ रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक इसके ऊपर करेंगे और करेंगे क्रोम टू फिट। जी हाँ, अब क्रॉप टू फिट आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर फिट हो चुकी है इससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर जो सी है ये वाली जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसमें हम जूम इन का इफेक्ट ऐड करेंगे और सेकंड वाली पिक्चर में जूम आउट। जस्ट आपको ये टू इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपनी पिक्चर के ऊपर, देन आपको क्रॉप एंड जूम के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली पैन एंड जूम के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले रेशो जो सी अगर ओरिजिनल है आपकी तो आपने यहाँ पे 16:9 जो है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो जब फाइनल होगी, जब रेंडर हो जाएगी तो उसके बाद ब्लैक शेडोज़ या ब्लैक इफेक्ट्स आपकी वीडियो के अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इनर जो विंडो है आपकी अपने उसके ऊपर क्लिक करना है और जितना स्मॉल हो सके पॉसिबल आपने इसे कर देना है। देन उसके बाद आपने जिस पार्ट से आपने जूमिंग स्टार्ट करना है, जहाँ तक आप चाहते हैं कि जूम आपका जाके एंड हो, जिस जगह के अंदर से अंदर जाए आपने उस जगह पर ला के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जी हाँ, बस इतना सा काम है। इससे क्या होगा कि आपका जूम इन स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने सिंपली ओके करना है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप खुद देख लें। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि वो लड़की की आईज में और आगे कैट की पिक्चर। अब कैट की पिक्चर के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने जूम आउट करना है। हम चाहते हैं कि कैट की पिक्चर हो, देन उसके अंदर से जो है हमारा जूम बाहर की तरफ आए। तो इसके लिए सिंपल अगेन आपने इसी मेथड पे जाना, क्रॉप एंड जूम के ऑप्शन के ऊपर। देन इसके बाद आपने पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक कर देना, अगेन आपने रेशो 16:9 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि आपने स्वाइप द स्टार्ट एंड द एंड स्क्रीन। अब इससे ये होगा कि अगर विदाउट इसके अगर आप इसे क्लिक करके करते हैं तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है जिसमें आपने देखा कि हम जूम इन होते जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपका जूम आउट होता जाएगा। आप जिस पार्ट से चाहेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी आईज में टोटली हमारा जूम इन हो, जूम आउट हो वहाँ से, तो हम सबसे पहले छोटा कर लेंगे एज पॉसिबल, देन उसकी आईज के ऊपर लाग कैट के ऊपर छोड़ देंगे। जस्ट इतना सा काम है, अब आपको ओके कर देना है। मैं आपको अगेन जो है अपनी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जी हाँ, आपने देखा कि हमारी जो सी है कैट वो अब सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग हम और कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो जो सी है या जो आप पिक्चर्स बना रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। देन इसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शंस पे जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली डिसॉल्व जो है आपने रिसर्च करना है सिंपली। जी हाँ, ये आपके सामने आ चुकी है ट्रांजेक्शन। इसने आपने सिंपली करना है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपनी दोनों पिक्चर्स के सेंटर में। देन इसके बाद आपने थोड़ा सा जूम इन कर लेना और जो आपकी ये एक्सटेंशन है आपकी ट्रांजेक्शन ऐड हुई है आपने इसको थोड़ा छोटा कर देना, क्योंकि हमें इतनी बड़ी ये नहीं चाहिए। बिल्कुल जब वो पिक्चर चेंज हो रही तो थोड़ा सा जेन्युइन सा लुक उसके अंदर आ जाए, इस वजह से हम इसे ऐड कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगेन आपको पिक्चर जो है आपको प्ले करके दिखाता हूँ अपनी वीडियो, वो ज़रा देखिएगा। जी हाँ, आपने देखा कि अब पिक्चर्स जो सी वो ऐसी लग रहा है कि लड़की की पिक्चर्स ऑटोमेटिकली जो है एक जेन्युइन सी चीज़ हमें नज़र आ रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे पास जब भी फ्री टाइम अवेलेबल होगा मैं उसी टाइम आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।